अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जी कि प्री पेमेंट्स क्या होती हैं, प्री पेमेंट्स का ट्रीटमेंट हमने सारा देखा था। इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्रूवल्स के बारे में। एक्रूवल्स बेसिकली प्री पेमेंट्स का बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और जो बिल्कुल ऑपोजिट से मेरा मुराद ये कि प्री पेमेंट के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि हमने पेमेंट की हुई होती है, एक्रूवल्स के अंदर क्या होता है, एक्रूवल्स के अंदर हमने पेमेंट नहीं की हुई होती, लेकिन हमने अपना एक्सपेंस मैच करना होता है अपने पीरियड के साथ। तो लेट्स स्टार्ट जी, आए इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपको प्री पेमेंट की एग्जांपल्स के साथ ये समझाऊंगा, क्योंकि उससे आपको मतलब आप इन कंपैरिजन इजीली इस चीज को समझेंगे। पहली चीज तो हमने ये डिस्कस की थी कि जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, जो भी पीरियड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस क्या आने चाहिए, कंप्लीट एक्सपेंसेस आने चाहिए उस पीरियड के, कंप्लीट एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट इनकम, कंप्लीट एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट इनकम। ठीक है, ये दोनों चीजें इस पीरियड के जिसकी भी आप बात करें, लेट से आप किसी एक वन मंथ की बात कर रहे हैं, आप वन मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें उस महीने की पूरी कॉस्ट आनी चाहिए। चलिए, हमने प्री पेमेंट में क्या बात की थी कि लेट से रेंट है, रेंट, और रेंट हमने एडवांस में पे किया हुआ है 12 मंथ्स का, कितना, लेट से 1,20,000। तो पर मंथ हमने क्या कहा था, एक्सपेंस क्या होगा, पर मंथ हमारा एक्सपेंस होगा 10,000। अब अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हम देखें तो क्या पता कि हमने एक ऐसा रेंटल अरेंजमेंट किया हुआ हो जिसमें हम साल के आखिर में जाकर हमने रेंट का एग्रीमेंट किया, रेंट एग्रीमेंट हुआ हमारा, हमने कहा जी हम 1,20,000 साल का रेंट देंगे, एनुअल रेंट देंगे, ठीक है, एनुअल रेंट देंगे, लेकिन कब, व्हेन, एट द एंड ऑफ ईयर देंगे। हम सारा साल यूज तो करेंगे वो जगह जहां पे हमारा ऑफिस है, लेकिन हम उसका किराया कब देंगे, साल के आखिर में देंगे। अब इस सिनेरियो में लेट से कि हम जनवरी में हमने ये एग्रीमेंट किया, जनवरी 2020 में, या चलो इसको 2021, चलो ठीक है, जनवरी 2020 में हमने ये एग्रीमेंट किया, पेमेंट हमने कब करनी है, दिसंबर 2020 में पेमेंट करेंगे हम इस चीज की, एग्रीमेंट तब हुआ, और हम यूज इसको कब से कब करेंगे, यूज भी हम इस जगह को जो हमने रेंट पे लिए वो इस पीरियड में यूज करते रहेंगे। जब इस पीरियड में यूज करते रहेंगे तो हमारा एक्सपेंस किस महीनों में आना चाहिए, हर महीने में आना चाहिए, जनवरी में भी आना चाहिए, फरवरी में भी आना चाहिए, मार्च में भी आना चाहिए, अप्रैल में भी आना चाहिए, एंड सो ऑन टिल डिसम्बर आपका एक्सपेंस आना चाहिए। एग्रीमेंट आपने क्या किया जी, 1,20,000 रुपए साल का रेंट होगा, 1,20,000 साल का रेंट होगा, पर मंथ अगेन वही 10,000 आपका पर मंथ रेंट आ गया, पर मंथ रेंट आपका आ गया 10,000 रुपीज। तो ये बात तो यहाँ से क्लियर है कि जब हमने हर महीने में या हर पीरियड में जिसका हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं उसमें उसके कंप्लीट एक्सपेंसेस लिखने हैं, तो ये बात तो यहाँ पर तय हो गई कि आपने 10,000 का आपका एक्सपेंस नजर आना चाहिए रेंट के अंदर। ठीक है, आई एम होपफुल कि इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, 10,000 का रेंट आपको नजर कैसे आएगा, आपने एक एंट्री कर दी, लेट से रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, जब भी एक्सपेंस आपका बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, जब भी एक्सपेंस आपका बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो आपने रेंट एक्सपेंस तो अपना डेबिट कर दिया क्योंकि आपको पता है कि रेंट एक्सपेंस आएगा। अब ये बताएं जी, क्रेडिट किस चीज को करेंगे, आपने तो कोई ना पेमेंट की, पेमेंट भी नहीं किया आपने, और मतलब आपकी डायरेक्टली अभी पेबल भी नहीं बना, पेबल तब बनेगा जब साल का आखिर होगा, मतलब अगर एक अकाउंटिंग सेंस में देखें तो ये आपका पेबल तो तब बनेगा जब एज पर एग्रीमेंट, जब आपका ये साल खत्म होगा, जब आपने उससे एग्री किया है कि जब मैं पे करूंगा, इस तरह के रेंट को आप कहते हैं जी कि ये आपने एक्रू कर लेना, एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट। ठीक है,
एक्रूड रेंट भी इन नेचर एक पेबल की नेचर की एक चीज है, यानी आप सॉर्ट ऑफ एक लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं जो आपने फ्यूचर में बुक कर लेनी है। नॉर्मली जो एक्रूअल्स बुक होते हैं ना वो एक एस्टिमेट बेसिस पे होते हैं। अब यहाँ तो मतलब ये एस्टिमेट करना बहुत ही आसान था ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें पता था कि 1,20,000 का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, 1,20,000 का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, और उसने एक्चुअली हमें जो उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट लेट से वो इनवॉइस करेगा हमें साल के आखिर में, तो वो अभी उसने मतलब हर महीने तो नहीं करेगा, वो साल के आखिर में इनवॉइस करेगा। तो हमने हर महीने एक लाइबिलिटी बुक करती जानी है, जिस इनवॉइस की बेस पे हम पेमेंट करेंगे वो हमें कब आएगी, साल के आखिर में। तो वो जब हम बुक करेंगे तो हम ये लाइबिलिटी हमारी मतलब एक्चुअल पेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो एक्रूड रेंट की लाइबिलिटी है। ठीक है, अब रेंट इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है आपके लिए, क्योंकि रेंट में नॉर्मली हमेशा प्री पेमेंट हो रही होती है, और मतलब उसके अंदर ये इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होता कि वो साल के आखिर में इनवॉइस कर रहा हो। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैंने सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल दिए। अब मैं आपको एक एक प्रॉपर जो है ना वो एग्जाम्पल एक्रूअल की देता हूँ, एक्रूअल किस तरह से एस्टिमेट बेसिस के ऊपर हम लोग कर रहे होते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। नॉर्मली जो आपको इन इस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बैठ के कोई चीज एस्टिमेट नहीं करनी, लेकिन आपको अमाउंट वो बता देगा, आपने सिंपली एक्रू कर लेना है। लेट से कि आपको पता है कि आपका फ्यूल का जो एक्सपेंस है ना, या फ्यूल छोड़ना, फ्यूल हर जगह नहीं होता, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस वो पर मंथ होता है जी कोई 2,000 रुपए लेट से। ठीक है, महीने का एंड हो गया, 31 जनवरी आ गया, 31 जनवरी 2021 आ गया, आपने मंथ एंड क्लोज करना है, मंथ एंड क्लोज करना है, क्लोज करना है। मुझ इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिसीव नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट येट रिसीव, नॉट रिसीव्ड। तो अगर बिजली का बिल रिसीव नहीं हुआ तो क्या जनवरी के एक्सपेंस के अंदर आप जनवरी में इस्तेमाल शुदा बिजली की कोई कॉस्ट नहीं लेंगे? नहीं जी, बिल्कुल लेंगे। हमने तो हमेशा कहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट लेके चलना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आप बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लेंगे जनवरी के अंदर, लेकिन आपको जो एस्टिमेट है आपका क्या आपका 2,000 रुपए का बिल आता है वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे 31 जनवरी पे। आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका हो जाएगा डेबिट, कितनी अमाउंट से, 2,000 से, और एक्रूड लाइबिलिटी एक्रूड एक्सपेंसेस आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे 2,000 से क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री तो अब आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे आपका एस्टिमेट इन्वॉल्व है। ठीक है, कि आपने कहा जी 2,000 रुपए से मेरी बिजली का एक्सपेंस आएगा। अब लेट से कि 5 फरवरी आ गई, 5 फरवरी आ गई और आपको बिल आ गया, बिल आ गया, बिल आपका कितना आया 2,050 रुपए। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, बिल किस महीने से रिलेट करता है, जनवरी से। जनवरी में आपने एक्सपेंस कितना लिखा था 2,000, आपने 50 रुपए एक्चुअली कम एस्टिमेट किया हुआ था, 50 रुपए ज्यादा आ गया। ये हो सकता है बिल 19,050 भी आ जाए, 50 रुपए कम भी आ जाए, एक एस्टिमेशन थी ना, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट उस महीने पूरी लेनी थी, तो नॉट नेसेसरीली कि ये हमेशा 100% चीज ठीक हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आपको ये एक्चुअल बिल आ गया तो आपने एक एंट्री वो जो पहले रिकॉर्ड की थी उसको रिवर्स कर देना है, मतलब आपने वापस उन चीजों को जैसा किया था वैसा कर देना है। एक्रूड एक्सपेंस अब आपने डेबिट कर देना है कि आपने अपनी लायबिलिटी 2,000 रुपए से खत्म की, और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी आपने 2,000 रुपए से अपना कम कर देना है। ये डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया। जब भी क्रेडिट करते हैं तो कोई एक्सपेंस कम होता है, जब भी डेबिट करते हैं तो कोई लायबिलिटी कम हो जाती है। तो आपने ये वो जो हमने एंट्री की थी, वो जो एंट्री हमने की थी 31 जनवरी को, उसको एक्चुअली रिवर्स कर दिया एंट्री को, और हम एक नई एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे, नई एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डालेंगे
डेबिट ये 2050 से, और बैंक से हमने जो बिल पे कर दिया बैंक क्रेडिट करके इसको पे कर दिया। अब होगा क्या एक्चुअली इसकी इस इन एंट्रियों की वजह से कि 2000 रुपए तो जो आप पिछले महीने ले गए थे उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नो इम्पैक्ट। लेकिन जो ऊपर के 50 रुपए हैं जो एक्चुअली जनवरी से रिलेट करते थे वो आप कहाँ नजर आ रहे होंगे, फरवरी के P&L में। लेकिन नो इश्यूज, आप जब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपके कुछ एक्रूवल्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। एक्रूवल्स आपके एस्टिमेटेड बेसिस पे क्योंकि आ रहे होते हैं तो एक मतलब इमटेरियल सा ये फर्क है 50 रुपए का, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। करंट लेवल पे जिस लेवल का हम इस कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये एस्टिमेशन वाली चीज इन्वॉल्व नहीं होगी। वो कहेगा आपको एग्जाम में लेट से वो कहेगा कि 1000 रुपए हमने एक्रू किए, अगले महीने 1000 रुपए का ही बिल आ गया। आपको इन अमाउंट्स के बीच में जो डिफरेंस वाली चीज है ना वो नहीं देगा, टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन स्टिल अगर कोई टेस्ट कर ले तो मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपने करना क्या। इन आइदर वे, इन आइदर केस आपने एंट्रियां यही रिकॉर्ड करनी है कि वो ओरिजिनल एंट्री आप रिवर्स कर दें, नई एंट्री आप रिकॉर्ड कर लें जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस आएगा, तो आपका एक्रूवल बिल्कुल ठीक से एडजस्ट हो जाएगा। अब एक्रूवल किन चीजों पे हो सकता है, एक्रूवल आपका इलेक्ट्रिसिटी पे हो सकता है, ठीक है, फ्यूल पे हो सकता है, आपका सैलरीज का एक्रूवल हो सकता है, आपने सैलरियां हो सकता है पे ना की हो, या मतलब अभी आपने पेरोल आपका लेट से नेक्स्ट मंथ के 5th को फाइनल होता हो तो आपने एक एक्रूवल सैलरीज का ले लेना है, ठीक है। आपने कोई थर्ड पार्टी से सर्विसेज ली हुई है, थर्ड पार्टी ने अभी आपको इनवॉइस नहीं किया, थर्ड पार्टी सर्विसेज, थर्ड पार्टी ने जाहिर सी बात है आप किसी महीने की 31 पे क्लोजिंग कर रहे हैं, इनवॉइस वो भी क्लोजिंग करके कहीं 5 या 10 तारीख तक भेजेगा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विस मैंने कितने की ली है, जितने की ली है आप उस तरह से इसको एस्टिमेट करके एक्रू कर लें, ठीक है। प्री पेमेंट इसका उलट था, अगर आपको याद हो प्री पेमेंट एक्चुअली पेमेंट पहले कर देते हैं, पेमेंट अर्लियर कर देते हैं इन प्री पेमेंट, और एक्रूवल में आपने पेमेंट नहीं की होती ना आपको इनवॉइस आई होती, नो पेमेंट नो इनवॉइस इन द केस ऑफ एक्रूवल। तो आप नो पेमेंट नो इनवॉइस एक्रूवल के केस में, इस केस के अंदर आप क्या करते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंस बुक करते हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी बुक करते हैं, एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी बुक करते हैं, ठीक है जी। इस केस के अंदर डन हो गया। अच्छा अभी तक हमने जो बात की है ना वो एक्सपेंसेस की प्री पेमेंट और एक्रूवल की बात की है, एक्सपेंसेस की प्री पेमेंट और एक्रूवल की हम बात कर चुके हैं, प्री पेमेंट और एक्रूवल की। यही दो चीजें बिल्कुल सेम इनकम के साथ भी हो सकती हैं। इनकम के साथ जो प्री पेमेंट होगी, इनकम वाली जो प्री पेमेंट होगी उसका क्या मतलब होगा, इनकम वाली प्री पेमेंट जो होगी उसका क्या मतलब होगा कि आपको कस्टमर ने एडवांस में पैसे दे दिए हैं। अभी तो हमने जितनी आज तक मिसालें देखी उसमें हमने ये देखा ना कि कस्टमर आपको बाद में पे करेगा, कस्टमर हैज पेड इन एडवांस, तो वो जो एडवांस है। अब यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंस के केस में प्री पेमेंट हमारा एसेट होता है, एक्सपेंस के केस में, इन केस ऑफ एक्सपेंस प्री पेमेंट क्या होता है एसेट, इन केस ऑफ इनकम प्री पेमेंट क्या होती है लाइबिलिटी। कैसे कैसे, हमें हमारे कस्टमर ने हमसे कोई सर्विस अभी ली नहीं है, हमसे उसने कोई, हमने ऐसी कुछ जो चीज देनी थी या तो वो नहीं दी या जो सर्विस हमने देनी थी वो नहीं दी, लेकिन उसने हमें पैसे दे दिए, तो सॉर्ट ऑफ ये हमारे पास उसका एक एडवांस पड़ा हुआ है, हमारी पास एक जिम्मेदारी है जिसके अगेंस्ट हमें सर्विस देनी है। तो ये जो प्रीपेड इनकम एक सॉर्ट ऑफ है, ये आपकी एडवांस फ्रॉम कस्टमर है जो कि आपकी लाइबिलिटी है। इसकी एंट्री आप कैसे कर रहे होंगे, इसकी एंट्री ऐसे हो रही होगी कि लेट से आपका बैंक डेबिट होगा, आपके कस्टमर ने फर्ज करेंगे 500 रुपए आपको दे दिए जिसके अगेंस्ट आपने उसको अगले महीने सर्विस देनी है, और यहाँ पे आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर या प्रीपेड इनकम क्रेडिट कर देंगे 500 रुपए से, ठीक है। इसी तरह एक्रूवल के केस में यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बनती है,
है, इसको मैं एक्चुअली यहाँ लिखता हूँ। यहाँ हमारी लाइबिलिटी बनती है एक्सपेंस के केस में एक्रूअल, और इनकम के केस में हमारी एसेट बनता है। वो कैसा, आपने एक सर्विस दे दी मंथ 31 जनवरी तक, लेट से आपने 31 जनवरी तक, यहाँ इसको साइड पर 31 जनवरी तक आपने लेट से एक सर्विस दे दी, सर्विस गिवन बट इनवॉइस नहीं किया आपने, सर्विस दे दी तो आपका रेवेन्यू तो मतलब आपके ऊपर ड्यू हो गया ना, आपको मिल जाने चाहिए वो पैसे, या आपने वो एक्चुअली अर्न कर लिया उस महीने में क्योंकि आपने सर्विस दे दी है, तो आपके जो एक्रूड आप इनकम को करेंगे एक्रू करने की एंट्री कैसे करेंगे आप, एक्रूड इनकम आप डेबिट करेंगे, एक्रूड इनकम आप डेबिट करेंगे और अपना रेवेन्यू आप क्रेडिट करेंगे। लेट से अगर 500 रुपए से आपने दिया, रेवेन्यू आपने क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू आपने बढ़ा दिया, एक्रूड इनकम यानी अपना एसेट आपने बढ़ा दिया। अगेन इनके अंदर भी वही केस होगा, जब आप इसको एक्चुअली इनवॉइस करेंगे तो ये वाली एंट्री पूरी की पूरी रिवर्स करेंगे और एक्चुअल इनवॉइस बुक कर लेंगे। अब मैं आपको ये एंट्रियां जो है ना एक नेक्स्ट शीट में सारी लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों केसेस में याद रहे कि आपने करना क्या है। लाइन इतनी सीधी नहीं लगी, ठीक है जी। ये एक्सपेंस का केस है, इनकम वाला केस मुझे पता है मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया, लेकिन उसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्सपेंस से ऑपोजिट है तो अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्टिल कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लें, ईमेल में पूछ लें। मैं हर लेक्चर में अपना ईमेल और कमेंट में कमेंट बॉक्स वाली बात करता हूँ, ईमेल एड्रेस भी शेयर करता हूँ। मैंने ये एंट्रीज यहाँ पे लिख दी हैं। ये मैंने एक्चुअल एक्सपेंस बुक कर दिया, ठीक है जी। ठीक है जी, ये मैंने आपको इनकम और एक्सपेंस के केस में एक्रूअल की एंट्रीज
एंड टू एंड रिकॉर्ड करना सिखा दी है, एक्रूअल आपने कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे रिवर्स करना है जब आपको एक्चुअल एक्सपेंस पता चल जाए या एक्चुअल एक्सपेंस की इनवॉइस आपके पास बेसिकली आ जाए, ठीक है। तो ये एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया, एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।